नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जा दोस्तों, महाराष्ट्र गठबंधन के बाद कांग्रेस को पहला बड़ा झटका यहां पर लग चुका है। नेताओं में खलबली है और इस्तीफा यहां पर दे दिया है। कांग्रेस के लिए बुरी खबर है कि कर्नाटक रिजल्ट के बाद कांग्रेस बिल्कुल यहां पर बौखला चुकी है और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यहाँ पर इस्तीफा की मांग कर दी है। अब क्या रणनीति यहाँ पर राहुल गांधी करते हैं आने वाले इलेक्शन के लिए? जहाँ दोस्तों आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में विरोधी दल आपस में मिलकर सरकार तो बना ली है और इस सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो कि बीजेपी के सहयोगी थे। बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने तो सरकार बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर पहले सामने आई थी, अगर कांग्रेस यहां पर शिवसेना के साथ सरकार बनाती है तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस को नुकसान होगा, ऐसी खबरें फैली थी और इसके रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका यहां पर कर्नाटक इलेक्शन के दौरान लगा है। कांग्रेस को बड़ा झटका है तो प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर वापसी करते नजर आ रहे। पहले जो इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए थे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान था, लेकिन कर्नाटक उपचुनाव को लेकर यहां पर बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और भाई कांग्रेस में निराशा की यहां पर लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के ही यहां पर 15 बागी विधायक बीजेपी ने इनको टिकट दिया और बीजेपी ने यहां पर 12 सीटें हासिल की। अगर इन 15 सीटों के आंकड़े आपको दिखाएं तो एक भी सीट बीजेपी ने पहले नहीं जीती थी, लेकिन अब इन 15 सीटों में से बीजेपी ने 12 सीटें जीती हैं। भाई कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट यहां पर हासिल हुई हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता सिद्धमोया और शिव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर है कांग्रेस में, अब यहां पर कह सकते हैं कि नेताओं ने यहां पर अपने इस्तीफा की पेशकश रख दिया। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष यहां पर डीके शिव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और सिद्धमोया ने कहा है कि मैंने कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। विधायक दल का नेता होने के नाते मुझे लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, मैंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। उपचुनाव में जनता ने दल बदलने वाले नेताओं को पसंद किया है तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र गठबंधन के होने के बाद ये रिजल्ट सामने है तो कहीं ना कहीं इसका कह सकते हैं कि रिलेशन जो है महाराष्ट्र गठबंधन से है। मौजूदा अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो बीजेपी 12, 2 सीटें यहां पर कांग्रेस और 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में गई, जो निर्दलीय थे वो भी यहां पर बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। तो इसके लिए एग्जिट पोल के भी यहां पर आंकड़े आए थे, सभी एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को कम से कम 10 सीटें यहां पर दिखाई गई थी, लेकिन 12 सीटें यहां पर बीजेपी को मिली है। तो क्या यहां पर महाराष्ट्र गठबंधन का असर कर्नाटक इलेक्शन पर पड़ा है या आने वाले इलेक्शनों पर पड़ेगा? तो आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देख सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे, एक नई लेटेस्ट अपडेट साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।